सीट टूट गई थी जिसकी वजह से ये वाला लोहा भी टूट गया था। सवारी बैठी हुई थी भाई जान, सवारी इस सीट के अंदर फंस गई। लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने अपने ऑटो रिक्शे की खुद ये वाली सीट तैयार की थी। अगर आप लोगों ने भाई जान पायेदार काम करना है, मजबूत काम करना है, तो ये वाली सपोर्टे ज्यादातर टूट जाती है। ये वाली सपोर्टे इस वजह से टूटती है, भारी सवारी भी बैठती है और पतली सवारी भी इस सीट के ऊपर बैठ जाती है। खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर। मेरी एक वीडियो के नीचे बहुत प्यारे भाईजान का मुझे कमेंट आया, कह रहा है शोएब भाई मेरे ऑटो रिक्शे की पीछे वाली सीट का जो लोहा होता है जिसके ऊपर सवारी या पैसेंजर बैठते हैं वो लोहा बार बार टूट जाता है। मैंने उसको काफी बार वेल्डिंग भी करवाया है लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। भाईजान अगर आप सबके साथ ये वाले मसले मसाइल पेश आ रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। इस तरह आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आप लोगों के ऑटो रिक्शे की पीछे वाली सीट का जो लोहा होता है सपोर्टे होती है भाईजान वो कभी भी नहीं टूटेगी। वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। वीडियो छोटी जरूर होगी लेकिन भाईजान बड़ी अच्छी वीडियो होगी। जान ऑटो रिक्शे की ये वाली पीछे वाली सीट होती है जिसके ऊपर पैसेंजर बैठते हैं भाईजान, ये वाली जो सीट होती है ना भाईजान, ये वाली सीट होती है लकड़ी की भाईजान। यहाँ पर सवारी भाईजान भारी सवारी भी बैठती है और पतली सवारी भी इस सीट के ऊपर बैठ जाती है। अगर आप लोग शटर मारते हैं, रोकर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो भाईजान आप लोगों की कोशिश होती है मैं अपने ऑटो रिक्शे में ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां पैसेंजर बैठाऊं। भाईजान ज़्यादातर जो होती है ना ये जो लकड़ी वाली सीट होती है भाईजान, ये वाली नीचे से टूट जाती है। मैं आप लोगों को अभी ये वाली चीज़ भाईजान दिखाता जाऊँ। ये वाली जो सपोर्टें होती हैं भाईजान, ये वाली सपोर्टें ज़्यादातर टूट जाती हैं। ये वाली सपोर्टें इस वजह से टूटती हैं जब भाईजान आप लोगों की ये वाली सीट की लकड़ी टूटेगी भाईजान, सारा वजन इसके ऊपर आ जाता है और भाईजान इसकी जो सपोर्टें होती हैं इस साइड से टूट जाती हैं, या इस साइड से टूट जाती हैं, या उस साइड से टूट जाती हैं, या इस साइड से टूट जाती हैं। इशू मेरे साथ भी पेश आया था, मैं भी काफी ज्यादा परेशान था भाईजान। देख सकते हैं ये वाला जो लोहा, ये मैंने वही इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भाईजान मैंने वेल्डिंग करवाया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता जाऊँ, आप लोगों ने ऑटो रिक्शे की पीछे वाली सीट को आप लोगों ने गैस वेल्डिंग कभी भी नहीं करवाना, क्योंकि गैस वेल्डिंग होता है कमज़ोर, जिसके साथ वो आप लोगों के एक या दो दिन निकालेगा, उसके बाद दोबारा फिर ये वाली सपोर्ट टूट जाएगी। अगर आप लोगों ने भाईजान पायेदार काम करना है, मजबूत काम करना है, तो आप लोगों ने ये वाली सपोर्ट भाईजान भारी लोहा होता है आप लोगों ने वो यहाँ पर लगवा लेना है। अगर आप लोगों ने वो लोहा यहाँ पर नहीं लगवाना तो भाईजान इसका फिर एंड ऑफ द एंड एक ही हल होता है, वो होता है वेल्डिंग का। भाईजान वेल्डिंग आप लोगों ने बड़ी बारीक करवानी है, देख सकते हैं वीडियो के अंदर मैंने वेल्डिंग बड़ी बारीक करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज 3 से 4 माह हो चुके हैं, मुझे कोई इशू पेश नहीं आ रहा, मेरी सीट भी ठीक है और मेरी सीट की सपोर्टें भी ठीक हैं। आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने अपने ऑटो रिक्शे की खुद ये वाली सीट तैयार की थी, पूरा क्राइटेरिया पूरा तरीकाकार आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों के ऑटो रिक्शे की ये वाली सीट टूट जाती है लकड़ी वाली, ये वाली सीट आप लोगों ने किस तरीकाकार से तैयार करनी होती है, मैकेनिक नहीं जाना, आप लोगों ने ये वाली सीट खुद तैयार करनी है और इंशाल्लाह ताला आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता आप लोग ये वाली सीट तैयार ना कर सके। मेरे साथ भाईजान ये वाला मसला पेश आया था, ये वाली सीट टूट गई थी जिसकी वजह से ये वाला लोहा भी टूट गया था। सवारी बैठी हुई थी भाईजान, सवारी इस सीट के अंदर फंस गई। एंड ऑफ द एंड आप लोगों को फिर बताता जाऊँ, अगर आप लोगों के ऑटो रिक्शे की ये वाली सपोर्टें टूट जाती है तो आप लोगों ने गैस वेल्डिंग खरीद नहीं करवाना, आप लोगों ने करवाना है भाईजान वेल्डिंग, जो भाईजान असल वाला वेल्डिंग होता है, देख सकते हैं जिसके साथ लोहा को पकड़ लेता है, एक मजबूती के साथ पकड़ लेता है। देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये वाला लोहा मेरा अंदर से कर्व हुआ है भाईजान, यही मजबूती होती है वेल्डिंग की। इसका एक ही हल है, आप लोगों ने ये वाली चादर भारी लगवा लेनी है, वेल्डिंग को भाईजान अच्छे तरीकेकार से लगवा लेना है। अगर भाईजान वेल्डिंग कह रखा था मैं आपसे 100 रुपया लूंगा, आप उसको को भाईजान आप 200 लो, मेरा ये काम अच्छा करके दो, मुझे बार बार यहाँ पर आपके पास या और किसी के पास ना जाना पड़े।